फाइनली वी आर एट मोरिनोंग, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। अभी हमारा सबसे पहला चैलेंज ये है कि यहाँ पे होम स्टे ढूंढें। सो गाइज, अभी हम लोग मोरिनोंग विलेज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द सिंगल लिविंग रूट ब्रिज, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो हम लोग चल के ही जाने वाले हैं एंड दैट बिहाइंड इज़ आवर होम स्टे। रूम टूर हम लोग डालेंगे बीच में एंड ये एरिया हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही प्रिस्टीन, शांत, सुंदर, क्लीन। यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स है, मेंटेन किए अच्छी तरह से एंड दैट देयर इज सॉर्ट ऑफ अ ट्री हाउस और अ वॉच टावर। और आज संडे इसलिए ये बंद है, लेकिन आई थिंक वी विल गो देयर टुमारो मॉर्निंग टू गेट अ नाइस व्यू। देख, या संडे इट्स क्लोज्ड, सो या लेट्स गो। स्लाइट चेंज ऑफ प्लान्स, तो हम लोग अभी सिर्फ विलेज एक्सप्लोर करने वाले हैं और कल जाने वाले हैं उस ब्रिज की तरफ, क्योंकि अभी शायद अंधेरा हो जाएगा ब्रिज से रिटर्न आते वक्त। सो या राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू चिल इन द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। सो नॉर्मली यहाँ पे लोग बस साइट सीइंग करके निकल जाते हैं, लेकिन वी प्लान दैट वी मस्ट स्टे हियर। इट्स अ वेरी पीसफुल विलेज एंड फील्स रियली गुड। देर आर कपल ऑफ गेस्ट हाउसेज हियर एंड यू शुड डेफिनेटली स्टे हियर। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, वेरी पीसफुल। आणि आपल्या मराठी मातीतली पण बरीचशी माणसं इथे आलेली आम्हाला भेटली। जिथे तिथे जातो बालीला पण आम्हाला मराठी माणसं भेटली होती। So the village is really clean, truly living up to its name. The fruits were cold. And yeah, 1 minute. यहाँ पे थोड़ा सा भी कचरा नजर नहीं आ रहा है एंड जगह जगह पर दे हैव दीज ब्यूटिफुल काइंड ऑफ डस्टबिन्स। पूरे विलेज में वैसे ही टाइप के कोनिकल डस्टबिन्स है, जो कि आई थिंक बाम्बू से बनाए हुए है। इट्स रियली अमेजिंग and yeah, I don't know which fruits are these, but they are huge. मैं DSLR से निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए भी अच्छा एरिया है। दिस इज़ अ रियली वेल मेंटेन्ड विलेज। तो यहीं से हमारे फुटबॉलर्स निकल के आते हैं इंडियन टीम में। तो यहाँ पे शायद क्रिकेट से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल काफी फेमस है। फुटबॉल और ओलंपिक टू।
संग संग हाय बोले ले ए कम ऑन ब्रदर वाओ स्वीट से एवरीवन हाय हेलो नाइस नाइस फी है लेकिन ये हम जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं उनको ही बिलोंग करता है तो यहाँ पे अगर आप रहोगे तो आपके लिए ये फ्री रहेगा सो लेट्स गो आप टाइम की तरह हम लोग इस बार भी इसका मोबाइल भूल गए घर पे ही तो अभी हम लोग इसका मोबाइल लाने जा रहे हैं शायद वापस इतना ऊपर चढ़ेंगे या तो फिर नीचे से ही उड़ाएंगे ड्रोन तो कल संडे था इसलिए ये सारे शॉप्स बंद थे आज खुले हैं एंड वी डिड सम शॉपिंग वी टुक सम कैब्स क्योंकि कल लगने वाले हैं टुमारो वी आर गोइंग टू द डबल डेकर ब्रिज एंड आई आल्सो बॉट दीस चॉपस्टिक्स अभी घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे फिर जापान में जाएंगे So guys, we really loved our stay over here yesterday and it was a beautiful property and definitely you can come over here and check out this whenever you've been at Molyneux. So now it's time to say bye to this small little piece. Just say bye. 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 Massive and looks really strong and sturdy. Built in a really nice way.
are now heading to Double Decker Bridge. It was a bit of cold yesterday and I think so we are a little late, but anyhow, we'll do it. It's not a game, it's a rich thing. तो हमारा ट्रैकिंग शुरू हो चुका है और हमें उन्होंने कहा कि गाइड कुछ कंपलसरी है हमारा. मैं मुझे हम लोग को और एक कपल मिला वो और हम शेयर करके अभी गाइड का प्राइस देंगे. लगभग कुछ 700 रुपीज़ है गाइड का और ये स्टिक का भी 20 रुपीज़ पर स्टिक. सो दिस इज़ द कॉस्ट, बट जो असली कॉस्ट है दैट इज़ योर एनर्जी. वही चैलेंजिंग है. अभी देखते हैं उतरते टाइम क्या हालत होता है और चढ़ते टाइम क्या हालत होता है. लेट्स गो. नीचे जाते जाते साइकिल चला के जा रहे हैं, पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं. थोड़े ही समय में वॉबली टॉबली हो जाएंगे. दिखा दिखा वहाँ पे है. उधर ब्लैक टू बिल्डिंग बरा. बाप रे, टू बिल्डिंग बरा जनरल ये डोमिनियन डबल कर. एक सिंगल डेकर दूसरी जगह पे भी है ना मॉलिनोंग. चलो अच्छा अच्छा अच्छा. तो आप देख सकते हो वहाँ पे डबल लेकर कुछ ब्रिज है और हम लोग हैं अभी यहाँ पे. So on the way to the double decker road bridge, it's single longest living road bridge भी है जहाँ पे हम अभी है. It's on the way only. So अभी हम लोग यहाँ पे देख के फिर बाद में proceed करेंगे. My feet are literally trembling. So let's go. Wow, looks amazing. बहुत सारे वीडियोस और फोटोज भी देखे थे.
चलो नाउ इट्स टाइम टू गो टू डबल डेकर बीच, और यहाँ का सिंगल डेकर बीच बहुत ही बढ़िया है। कल का भी बहुत अच्छा था, बट यहाँ का जो बात है कुछ अलग है। Finally we have reached the double decker living room bridge. दो levels पे है ये and it's amazing. So guys, I'm currently on the second level and actually जितना सुना था उतना difficult नहीं था ये trek on the way. लेकिन शायद वापस जाने के वक्त थोड़ा वाट लगने वाली है क्योंकि we have to climb. While coming here it was all मोस्टली डिसेंट और थोड़ा सा ही नज़दीक आने के वक्त एसेंट था, लेकिन यह फीलिंग क्वाइट फ्रेश राइट नाउ। जो पूरी थकान आई थी वो अभी चली गई है, देखते हैं अभी रिटर्न जर्नी के वक्त कैसे लगने वाला है। कैमरा के अलग से चार्जेस है, सो वी पेड अराउंड 210 रुपीज़ फॉर द ड्रोन एंड वी आर ऑल्सो कैरिंग अदर कैमराज एज वेल। सो या लेट्स डू इट। That's it for the double decker bridge. बहुत मज़ा आया, अच्छा अच्छा फोटोज़ निकल है और इट वॉज रियली सीनिक एंड नाइस ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर। आई लव टू बी हियर। इज इट ओके? ये घर की लड़ाई बाहर भी आ गई।
वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम नोकालिकाय फॉल्स। तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा पानी कम है। अभी देखते हैं यहाँ पे जाके क्या हालत है वाटरफॉल की, और आपको भी दिखाते हैं। हो सके तो ड्रोन शॉट्स लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोग को गुवाहाटी के लिए निकलना है, और गुवाहाटी का रास्ता यहाँ से लगभग 5-6 घंटे का है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग टू रैपिड अप दिस टू वाटरफॉल वैंग सैपडोंग एंड दिस नोकालिकाय। सो लेट्स गो। Time for Wai Sap Dong. और यहाँ से ट्रैकिंग के लिए नीचे जाते हैं। जैसा बताया गया है कि थोड़ा सा ही ट्रैकिंग है, ज़्यादा नहीं है, बट हमारा कल का भी ज़्यादा ट्रैकिंग हुआ था, तो पता नहीं अभी ये कितना तक हम लोग कर पाते, बट वी विल गो बिकॉज वी हैव कीड़ा। Probably the last sightseeing spot of our entire Meghalaya trip, and right now we are near the Wai Sap Dong waterfalls. I hope I'm pronouncing it right. So this was like half an hour or 45 minutes from our hotel in Cherrapunji, and it is insanely beautiful. It's like a two-three layered waterfall, and it's really beautiful. And we are going to fly the drone here. अभी तो हमने बस व्यू पॉइंट से वाटरफॉल का देखा है, तो अभी हम लोग नज़दीक जा रहे हैं वाटरफॉल के। फीलिंग गुड, बस इतना ही है कि हमारा टाइम ज़्यादा जा रहा है नीचे उतरने के लिए। अभी और भी है उधर तक, मैं तो तोती कैमरे लेके उतर रहा हूँ। हाँ थोड़ा चल, लेट्स गो। जिसने भी बनाया ना मान गया मैं भाई। दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, but this would have taken much time than this is scary. I'm in now very angry. Dala I'm so like then are they going to tomorrow. So finally we are done with the steps. Hope so. Bro, pull up. Yes. Hope so. Things are simpler than before. Oh my God.
No. Last stage of breakfast still there. Lastest. जा हे ते तुझा पहिला आता. चलो हो गया. It was a terrific experience witnessing such a beautiful waterfall. And now we are going back to our car. Now, straight away to Guwahati. तो एक्चुअली हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहे हैं. आज का फ्लाइट है हम लोग का एक्चुअली ख़त्म हो गया था मेघालय से जब हम लोग निकले थे चेरापुंजी से. बट यहाँ पे हम लोग जिस शख्स से मिले हैं तो सोचा कि यार यहाँ का ब्रेकफास्ट का एक ब्लॉग तो बनता ही है. हम लोग आपको मिलाते हैं अभी उसी को. चलो निकलते हैं. सर बस लाईट लावायला गेल जरा. तू अरे जाऊ दे असं आहे तरी इथे बसलं. सो गाईज दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप अँड वी आर राईट नाऊ इन गुवाहाटी अँड वी आर एंडिंग द ट्रिप इन ऑन अ व्हेरी नाईस नोट. सो दिस हॉटेल दॅट वी आर स्टेईंग एट कॉल्ड हॉटेल सागर राईट. येस इट्स अ रिअली गुड रेस्टॉरंट. सो वी हॅव बीन डायनिंग ओवर हिअर ओनली फॉर द लास्ट टू डेज. We didn't dine anywhere out because the food over here is really good and the head chef over here has become a really good friend of ours. He's basically from Jharkhand but he has stayed for like 10 years in Pune, so he is very much familiar with Maharashtrian cuisine and today he's giving us some of nice Mumbai's dishes for breakfast and we are just going to show you that. और सिर्फ महाराष्ट्र क्यूजिन से नहीं महाराष्ट्रियन लैंग्वेज हमारी जो मराठी भाषा है मराठी भाषेवर सुद्धा त्यांची तेवढी चांगली कमांड आहे. आम्ही बघितलं आहे बरेचसे मराठी ॲक्टर्सला पण मराठी भाषा तेवढी अस्खलित बोलता येत नाही तेवढी अस्खलित मराठी भाषा ते बोलतात आणि आम्हाला त्याचा खूप गर्व वाटला. इकडे येऊन गुवाहाटीला येऊन आम्हाला एका यु नो असं वाटलं होतं की आमच्या एका फॅमिली त्या एका माणसालाच आम्ही भेटलो इकडे. वी रिअली फाइंड इट व्हेरी ग्रेटफुल टू बी हिअर. Onion pakoras and then we have our lovely batata vada pav with this typical Maharashtrian style chutney and also some fried chilies. I mean I am looking at
this thing after like 10 long days. So yeah, right now we are going to enjoy this Maharashtra feast in Guwahati. And yeah, we also have mixed wet cheese parathas and they look so good. So, मैं भी ये खेकड़ा भाजी ट्राई करती हूँ. उन्होंने बोला भी खेकड़ा भाजी एंड दिस वर्ड इज टिपिकली पॉपुलर इन महाराष्ट्र ओनली. सो वी आर फीलिंग रियली गुड हियर इन गुवाहाटी हैविंग दिस फूड. सो या आई एम ट्राइंग दिस. So this is what I am having now at breakfast in Guwahati. Can you believe it? No, but I am having it right now. This is vada. This is pav. This is 90% Maharashtrians breakfast and snack, and I'm having it in Guwahati. I just can't wait now. The first bite. Well, keep watching me having it. The first bite, it was so flavorful. I really got a memory of our homemade orders. And even the pav, यहाँ पे actually pav उतने famous नहीं है जितने महाराष्ट्र में हैं. But उन्होंने जो हमें pav serve किया है, that was also very soft and nice. And vada is from even inside. मैं आपको अभी मेरा bite नहीं दिखा था. ये जो वड़ा है, ये वड़ा इतना थिन है, इसका कवर भी देखो कितना थिन है और कितना फ्रेशली मेड है. माय गॉड, दिस इज सो यम्मी एंड सो क्रिस्प. एंड दिस इज नॉट इट, वी हैव अनदर डेलिशियस from our chef, and that is ये क्या है? वेज चीज स्प्रिंग रोल डोसा. ओके, सो गाइस, हियर आई इंट्रोड्यूस यू टू आवर डियर एंड हेड शेफ ओवर हियर इन होटल सागर, मिस्टर द्वारिका. नमस्ते. हाय. सो he is the one behind all these delicacies. We are having it on breakfast and we are really so grateful meeting him. So how are you doing it? Matlab aap kahan kab kab se ye kar rahe ho yahan se? Actually yahan pe to I think 2 years ho gaya hai, but mera jo experience hai 10 se 15 saal ka experience hai. Maine Maharashtra mein 10 saal kaam kiya hai. So already maine Marriott mein job kiya hu 8 years complete. Everything, and मैं तो continental, South Indian, Chinese, Maharashtrian, Gujarati, so everything is cuisine. And so today is I'm making to Maharashtrian food, something vada pav and some kekda bhaji and this one with cheese spring roll dosa and something paratha with cheese, mixed paratha with cheese and so. आप मराठी भी अच्छा बोलते हो. या मराठी पण चांगलं बोलतो मी. सगळं मी मराठी महाराष्ट्रामध्ये शिकलो आहे आणि पूर्ण माझा जास्त फेवरेट महाराष्ट्र आहे आणि पुण्याचे क्लायमेट खूपच छान आहे. आम्हाला अत्यंत घरगुती एक्सपिरियन्स होतं इकडे येऊन असं आम्हाला वाटलंच नव्हतं गुवाहाटीला. ऍक्च्युली 10 दिवस कुठे आम्ही निघायला होतो आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट गुवाहाटीला आल्यानंतर असं वाटलं होतं आम्ही मुंबईला आमच्या घरी आलो. यांना भेटल्यानंतर खूप 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 छान वाटलं आम्हाला.
आणि आमच्या मुंबईचे जे पण आहे इथे जर वाटील आला तर तुम्ही इथे या, मला भेटा, तुम्हाला मी महाराष्ट्राचे जेवण पाजणार आहे 100%. आणि मेन सिटी मध्ये आहे पलटण बाजार, नेपाली मंदिर अपोजिट, हॉटेल सागर रत्न एंड हॉटेल सागर. So guys, in the South Indian we have cheese veg spring dosa. So I'm going to taste this now. Ekdam Mumbai style mein serve kiya hai. And there's cheese, which is my favorite. This is really epic. We're really feeling like we are in Mumbai, and I'll tell you, we missed this so much in the last 10 days. I'll have it this trip. So delicious. So, after all this, now we are having this cheese stuff mixed veg paratha. यांच्या हाताला महाराष्ट्रातल्या मातीची चव आहे हे आम्ही खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. आणि मी आता चटणीसोबत करतो. So guys, this is the end of our Meghalaya trip. We are ending it in Guwahati in Assam, and today is 14th of January. So Makar Sankranti hai, aur jaise Maharashtra mein aur other states mein Makar Sankranti celebrate karte hai, waise Assam mein Bihu festival celebrate kiya jata hai. Probably uska pehla din hai aaj, matlab main din. And hotel walon ne hum log ko ye sweets diye hai. एंड हमारे इधर जैसे वेट हमारे इधर जैसे तिलगुल रहता है, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर के तिलगुल लड्डू है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट नो, बट दिस इज अमेजिंग. वी आर एक्चुअली गिवन दिस स्मॉल प्लेटर बाय द होटल एंड वी आर रियली हैप्पी. सो We wish you guys a happy Makar Sankranti or happy Bihu. I don't know how, कैसे बोलते हैं, कैसे celebrate करते हैं, लेकिन yeah, feels really good to end the trip in this way. So that's it for today's video. We hope you loved the Meghalaya travel vlog. Keep watching and we will come with more videos. Goodbye.